अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम निस्बत तनासुब इस सबक का मुतालिया कर रहे हैं। इस सबक में हमने निस्बत किस तरह से मालूम करते हैं ये देखे हैं। अब हम देखेंगे निस्बत का इस्तेमाल करके मसावात लिखना। निस्बत का इस्तेमाल करके हम मसावात लिख सकते हैं। मसावात लिखने की वजह से मिसालें हल करना आसान हो जाता है। तो चलिए एक मिसाल देखते हैं। किसी गांव में एक अस्पताल बनाना है। ऐसा तय किया गया कि हर 16 मरीजों के लिए 2 कमरे होना चाहिए। ऐसे 80 मरीज अस्पताल में रहेंगे, तो बताइए इस हिसाब से कितने कमरे तामीर करना होंगे। हमें इस मिसाल को हल करना है। कमरों की तादाद और मरीजों की तादाद का ताल्लुक यानी निस्बत हम देखेंगे। फर्ज कीजिए कि 80 मरीजों के लिए y कमरे लगेंगे। कमरों और मरीजों की तादाद की निस्बत 2:16 यानी 2/16 है। इन निस्बतों को लिखेंगे और मसावात बनाएंगे। मसावात इस तरह बनेंगी, y बटे 80 बराबर 2/16। इसलिए हमें नसब नुमा में 80 को 1 बनाना है, इसलिए हम दोनों जानिब 80 से ज़र्ब देंगे। तब हमारी मसावात इस तरह बनेगी, y बटे 80 ज़र्ब 80 बराबर 2/16 ज़र्ब 80। तरफ़ेन में दोनों जानिब हम 80 से ज़र्ब देंगे। y हमें हासिल होगा y बराबर 2/5 यानि y बराबर 10। इसलिए 80 मरीजों के लिए कुल 10 कमरे बनेंगे। इसी तरह आप भी मसावात का इस्तेमाल करके निस्बत को मुख्तसर सूरत में लिखकर मश्क कीजिए और रियाजी से लुत्फ़ अंदोज़ होइए। अल्लाह हाफिज़।